देवेंद्र चौहान के साथ। नमस्कार, एक बार फिर भारत एट नाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और सत्रह, आज 17 दिन हो चुके हैं जब दिल्ली की 21 साल की एक बेटी के साथ उसके घर से 17x2, 17x3, 17x4 किलोमीटर की दूरी पर दरिंदगी हुई। उसके शरीर के साथ ना जाने कितनी बर्बरता हुई। उसको भेड़ियों ने नोचा, खाया, काटा, पीटा। उसके शरीर पर इतनी बार चाकू मारे गए कि जब तक उसकी आत्मा ने भी अपना दम ना तोड़ दिया। इस बेभत्स घटना को आज 17 दिन का समय हो चुका है और कानूनी फाइलों में 17 दिन के बाद इस घटना को नींद की गोली देकर एक मौत की नींद सुना दी। दर्शकों, लेकर इस घटना को जो लोग सोचते हैं, सो कॉल्ड जो बड़े लोग सोचते हैं कितनी आसानी से दबा कर देश की बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय कर लेंगे, तो वो गलत सोचते हैं। क्योंकि आज सबसे पहले तो उस झूठ से पर्दा उठाऊंगा, उस झूठ से जो सबसे बड़ा झूठ प्रशासन की तरफ से पूरे देश के साथ, पूरे उस इलाके के साथ जो इलाका राबिया को जानता था, जिस इलाके ने राबिया को बड़े होते हुए देखा था, उनके साथ जो झूठ बोला है, उस झूठ का पूरा लबोलुआब उतार कर आपके सामने रखूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये सो कॉल्ड, ये जो आपके सामने जो उन्होंने खुलासा किया है, ये खुलासा नहीं, ये ढकोसलेबाजी। क्योंकि मेहरा और मेहरा, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, आज वो आपको समझाया जाएगा। ये जो शख्स है, ये मोहरा है, ये सिर्फ मोहरा है, ये निजामुद्दीन जो पुलिस के सामने पहुंचा, जिसने कहा कि वो राबिया का पति है, और पहुंचकर उसने गिरफ्तारी दी बिल्कुल अगले दिन। ये मोहरा है दर्शकों, सिर्फ मोहरा। और ये काला नकाबपोश व्यक्ति, ये जो मेहरा है, ये असली है। ये मोहरा उन बड़े लोगों का मोहरा है जिसने पैसे देकर, जिसने जेब गरम करके इससे कहा कि तुम जाओ और जेल की सलाखों के पीछे जाओ ताकि ये लोग बच सके। ये सब कुछ कहानी है, इसके लिए आप इस बाइट को सुनिए और समझिए कि क्या है पूरा माजरा। ये वकील साहब हैं, महमूद प्राचा इनका नाम है, इन्होंने पूरी कहानी खुलकर बताई, इसको सुनिए। फरीदाबाद पुलिस स्टेशन में, जो सूरज कुंड पुलिस स्टेशन है, उसमें सिर्फ 302 के तहत FIR दर्ज की गई है। लेकिन अगर आप FIR को पढ़ ही लेंगे सिर्फ, और आपको अगर इस केस के तथ्यों के बारे में कुछ भी मालूम है, तो आपको ये साफ नज़र आ जाएगा कि पुलिस जो है कुछ छुपाने के लिए और कुछ लोगों को बचाने के लिए ये FIR दर्ज की है, ताकि मामले की सच्चाई कभी भी सामने ना आ सके। और जो असली इसके पीछे साजिश है, जो करोड़ों रुपए का घपला है, जो इसके असली साजिश है, जिस वजह से इसके साथ इतना जानवरों की तरह व्यवहार किया गया, लड़की के साथ क्या क्या हुआ, वो सब पर्दे में ही रहे, कभी भी दुनिया के सामने ना आ सके। ठीक है, कानूनी तौर पे और लीगली तौर पे तो ये दिल्ली में ही FIR होनी चाहिए थी, क्योंकि इस केस के बारे में अगर हम जो वर्जन सरकारें, दिल्ली सरकार या दिल्ली पुलिस या हरियाणा सरकार या हरियाणा पुलिस दे रही है, अगर हम वो वर्जन मान लें, तब भी उसके हिसाब से भी दिल्ली में ये FIR दर्ज होनी चाहिए थी सबसे पहले कालंदी कुंज में। देखिए, हैरानी की बात क्या होनी चाहिए, एक तो इतना बड़ा घृणित अपराध करके कोई खुद जाके सरेंडर करता है क्या कभी? तो इससे एक पहले तो शक नजर आता है। मर्डर इनकी थ्योरी के हिसाब से, जो हमें सही नहीं लगती, सूरज कुंड में लाश होना बताया जाता है, सरेंडर आके इतनी दूर कालंदी कुंज में क्यों करते हैं? अगर इतना ही सरेंडर करने का भी कोई औचित्य होता तो पास के पुलिस स्टेशन में किया जाता है। दूसरी बात, तीसरी बात, जो कालंदी कुंज की पुलिस है वो कोई भी कार्रवाई नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। वो किस प्रकार से बॉडी या उससे कुछ क्वेश्चन नहीं करती, उससे कोई हथियार बरामद करने की कोशिश नहीं करती, उससे कोई डिस्क्लोजर नहीं लिखवाती। बुनियादी तौर पर FIR कालंदी कुंज में होनी चाहिए थी,
क्योंकि पहली बार वहाँ पता लगा। अब अगर इससे थोड़ा पहले चला जाए तो लड़की जो बयान और सबूत सामने आ रहे हैं, तो लड़की को आखिरी बार उसके दफ्तर में देखा गया था, तो दफ्तर में FIR होनी थी, दफ्तर में FIR नहीं की। और इस तरह के बयान भी हैं हमारे पास और जो आपके पास भी हैं पब्लिक डोमेन में भी हैं, कि बच्ची को एक दिन पहले जो है जो उसका बॉस था उसको अरेस्ट किया गया था करप्शन और करोड़ों रुपए के घोटाले के चक्कर में, जो कि कोविड वायरस का जो एक कैंपेन चल रहा है उसमें उसको जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके ऑफिसर को पकड़ा गया था और एक करोड़ों रुपए का घोटाला खुद दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच ने उजागर किया था। अब आप उसको देखा जाए तो उस आस्पेक्ट पे कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। आप किसी भी पुलिस से पूछ लीजिए, चाहे तो हरियाणा पुलिस से या दिल्ली पुलिस से, इसको भी छुपाया जा रहा है। ये सभी चीज़ें इस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं। और जो FIR हरियाणा पुलिस ने लिखी है, फरीदाबाद या सूरजकुंड पुलिस ने लिखी है, उसमें बेटी के बाप के मुंह से ये कहलवाया जा रहा है, जो बिल्कुल ही झूठ है, कि नाम लेके कि इस व्यक्ति ने हत्या कर दी ऐसा हमें बताया गया। हालांकि उनको कुछ पता ही नहीं था, अगले दिन सुबह तक उनको पता ही नहीं था करोड़ों का घपला और घोटाला करके एक्सट्रॉशन रैकेट चल रहा है एक्चुअली ये कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के नाम पे, कि दुकानों से, होटल से, रेस्टोरेंट से या हॉस्पिटल से भी उगाही की जा रही है। ये उस घटना को ये बच्ची शायद कहीं इसके राज फाश ना कर दे, ऐसी कुछ साजिश की गंध आ रही है जिसको छुपाया जा रहा है। और हर एक व्यक्ति को एक जो इन केसेस में होता है असली बात छुपाने के लिए एक ऐसा ट्विस्ट दिया जा रहा है कि जिससे लड़की के और उसके परिवार वालों की के ऊपर कुछ ना कुछ इल्ज़ाम तराशी ऐसी कर दी जाए ताकि वो अपने आप को स्टिग्मेटाइज महसूस करें और इस केस को परस्यू ना करें। ये भी एक बड़ी साजिश चल रही है, इससे भी हमें, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, तो इससे भी एक हमें ऐसी हिंट मिल रहा है, गंध मिल रही है कि पूरा एक कैंपेन चल रहा है इस मामले की सच्चाई को दुनिया के सामने ना आने देने का। देखिए, अगर ये बात सच भी मान ली जाए तो क्या किसी पति को अपनी पत्नी का इस प्रकार से विभत्स तरीके से हत्या करने का अधिकार है? और कोई पति अपनी पत्नी का इस प्रकार से क्यों हत्या करेगा? तो ये सब चीजें, ये इस बच्ची को टॉर्चर किया गया है किसी वजह से। टॉर्चर आमतौर पे इसलिए किया जाता है कि उससे कोई बात उगलवानी होती है या कोई चीज की वो चश्मदीद गवाह होता है कोई मरने वाला, तो टॉर्चर इन दो वजह से किया जाता है। तो टॉर्चर इतना क्यों करेगा और खुद जाके सरेंडर करेगा? इसमें तो सीधी सीधी फांसी होनी है ना, ये एक बच्चे को भी पता है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा। इतनी जगह, इतनी बार अगर चाकू मारा जाएगा, उसके शरीर को शत विशत किया जाएगा, किस प्रकार से, मतलब कोई जानवर भी होगा तो ऐसे नहीं कर सकता, और ये एक व्यक्ति का काम भी नहीं लग रहा। तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इसके निकाहनामा, जान पहचान लड़की की उससे, ये सब उस साजिश का हिस्सा है कि परिवार वालों पे भी दबाव बनाया जाए, लोगों के मन में भी एक शक पैदा किया जाए ये तो एक आम घटना थी, और लड़की के परिवार वालों को और लड़की के ऊपर ही एक तरह से इल्ज़ाम तराशी की जाए। इससे ज़्यादा घिनौनी हरकत मैं समझता हूँ जो भी लोग ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हैं, और बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग भी इस तरफ लोगों का ध्यान डालना चाह रहे हैं, तो वो इस सब साजिश में शामिल हैं। वो इस बात को याद करें, हम लोग उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। हम कानून के तरीके से इन सब लोगों को, ये सब लोग सस्पेक्ट हैं जो इस तरफ कहानी को डालना चाहते हैं, उनकी तलाश की जाएगी और हम लोग इसकी इंक्वायरी चाहते हैं, CBI से जांच हो इसकी, उसके लिए हम पिटीशन डालेंगे कोर्ट में, डाल रहे हैं बहुत जल्दी, और इन सब लोगों को भी मुलजिम बनाया जाएगा। इन सब लोगों से पूछताछ होगी जो इस केस को, इतनी विभत्स घटना को एक दूसरा रुख देने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब मुलजिम है। तो दर्शकों, ये महज एक बाइट भर नहीं, इसके पीछे बहुत सारी चीजें छिपी हैं। आपको बताऊं कि जिस दिन से ये केस शुरू हुआ, जिस दिन से पूरे मामला शुरू हुए, उसके बाद से हम लोगों की टीम लगातार वहां पहुंची, हम लोगों ने बातचीत की, लेकिन पूरा मामला साफ नजर आता है। पूरे मामले में कहीं ना कहीं पूरी इन्वॉल्वमेंट भी नजर आती है, सब कुछ क्लियरली दिखता भी है, जहां पर पता चलता है कि ये जो लोग हैं, ये लोग असली गुनहगार हैं, और ये लोग सिस्टम के अंदर बैठे वो सांप जो सिस्टम को गंदा किए हुए हैं। और इसकी बात, इसकी जानकारी जब एक कमजोर, जब एक निर्दोष, जब एक इनोसेंट
पर्सन को लग गई तो इन्होंने उसको एलिमिनेट करने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा। दर्शकों, बहुत क्लैरिटी के साथ जो कुछ अभी महमूद प्राचा साहब ने कहा उसको एक आसान भाषा में आपको बताता हूं। कहने का पूरा सारांश यह था कि राबिया सैफ, जो कि एज ए असिस्टेंट वर्क करती थी रविंद्र मेहरा के अंडर में, जो कि वहां पर कोविड ऑफिसर के पद पर तैनात था डीएम ऑफिस लाजपत नगर, तो ऐसा मालूम चला कि राबिया सैफी को उन चीजों के बारे में पता चल गया था कि रविंद्र मेहरा कैसे पैसे इकट्ठे करता था, कैसे धन उगाही करता था, कैसे करप्शन को इतना एक्सटेंड तक ले गया था कि उसने अपने लॉकर्स स्थापित कर लिए। और इस पूरी षड्यंत्र की जानकारी जो थी वो राबिया सैफी को थी। और इसके बाद दर्शकों, जैसे ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने रविंद्र मेहरा नाम के करप्ट पर्सन को गिरफ्तार किया, उसके बाद से ही पूरे विभाग में खलबली मच गई। और खलबली इसलिए क्योंकि रविंद्र मेहरा की हर एक पोल पट्टी को राबिया सैफी भी जानती थी। राबिया सैफी जानती थी कि ये सब अधिकारी कैसे घुल मिलकर इस पूरा ये जो नेक्सस है उसको चला रहे हैं, जहां इन्वॉल्वमेंट पैसे का है। और अब जब उन लोगों को ऐसा लगा कि वो लोग भी खतरे में आ सकते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो उस लड़की से भी पूछताछ कर सकती है, तो उनको पता था कि राबिया सैफी सब कुछ सच सच बता देगी। तो ऐसे में उन लोगों ने, इन सभी लोगों ने, ये जो जितने भी ये जो ऊपर पदों पर बैठे, जो पैसे का पूरा सिंडिकेट चला रहे थे, जो आम आदमी से पैसा चूस चूस कर अपने घरों के लॉकरों को ठूस ठूस कर भर रहे थे, उन लोगों ने हमारे इस देश की बेटी को इतनी दरिंदगी के साथ खत्म कर दिया। और आज हम बैठकर कितनी शर्मिंदगी की बात है कि उस पर चर्चा कर रहे हैं। इंसाफ के लिए दोबारा सड़कों पर है। जब निर्भया का कांड हुआ था तब एक आस जगी थी कि इस देश में कानूनों में बदलाव किए गए हैं तो शायद ये चीजें दोबारा निकलकर सामने ना आए, लेकिन नहीं, आज भी वही चीजें निकलकर सामने आती हैं। क्योंकि कुछ लोग जो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते कि इंसानी जमात में रहें, वो लोग यहां रह रहे हैं। ये भेड़िए हैं, इनको जानवर कहना मुकम्मल नहीं होगा, ये भेड़िए हैं। ये जो पीछे दिख रहा है काला नकाब लगाए शख्स, यही यही भेड़िए हैं जिन्हें समाज में पकड़ा जाना बेहद जरूरी है। और ये जो दिख रहा है, जिसके चलते पुलिस पूरा मामला दबाने की कोशिश में है कि हां भाई ये देखो हमने तो इसको पकड़ लिया ना, ये कौन है, ये है ना, ये कोई नहीं। दर्शकों, निजामुद्दीन नाम का ये शख्स ये कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये महज एक मोहरा है, मोहरा। और इसके जरिए पुलिस अगर ये सोचती है कि कोई भी शख्स आकर कह देगा कि हां ये मैंने किया है और इसको सलाखों के पीछे डालकर अगर क्लाइम खत्म कर सकते हो, अगर किताब क्लोज कर सकते हो, अगर केस को वहीं दफना सकते हो, तो ये आपकी भूल होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होने लगे तो जितने भी ये बड़े अधिकारी हैं, जितने भी ये बड़े लोग हैं, ये क्राइम खुलेआम करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे, डेमोक्रेसी को खत्म कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को जाकर बाजारों में बेच आएंगे और कानून की किताबों में आग लगा देंगे। क्योंकि आज भी हमारे समाज में इतने लोग मौजूद हैं जो गरीबी तबके में जीवन जी रहे हैं, जिन्हें अगर मात्र आप 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 1 लाख कुछ भी दे दो और उनसे कहो कि जाओ जुर्म कबूल करो और चले जाओ, 4 साल बाद छूट के बाहर आ जाओगे, यकीन करिए वो चले जाएंगे। तो इसलिए जो लोग कहते हैं, जो तर्क दे रहे हैं, जो लगातार मेरे सामने मुझको ये बता रहे हैं कि नहीं वो तो पकड़ा गया, निजामुद्दीन तो पकड़ा गया, अब ये निजामुद्दीन नहीं है दोस्तों, ये मोहरा है, ये 1 लाख 2 लाख में बिचा हुआ एक शख्स है, ये सिर्फ मोहरा है जो टुकड़ों पर गया है जेल की सलाखों के पीछे। लेकिन असली कल्प्रिट वो हैं जो ऊपर बैठ के शैंपेन पी रहे हैं, वो हैं असली कल्प्रिट, जो तालियां बजा रहे होंगे कि वाह कैसा भद्दा मजाक बनाया हमने इस कानून का, वाह। उनकी ताली को अगर पूरी देश ने गाली ना दी तो मेरा नाम नहीं,
क्योंकि इस कार्यक्रम में सिर्फ बातें नहीं, इस कार्यक्रम में डेली कुछ ना कुछ खगालूंगा और एक ऐसा एजेंडा सेट करूंगा कि जिसके जरिए उन लोगों को रातों में नींद नहीं आएगी। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर वो मेरा कार्यक्रम देख रहे होंगे तो टीवी को फोड़ देंगे, उनको नींद नहीं आने दूंगा और लगातार इस मुहिम पर काम करता रहूंगा जब तक इस देश की बेटी को न्याय नहीं दिलवा देता। जब तक इस देश की बेटी को न्याय नहीं मिल जाता तब तक लगातार ये पर्दे उखेड़ते रहेंगे और आपको डेली बताएंगे कि कैसे यहां मजाक बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत की जा चुकी है। आज सबसे पहले तो यह साफ कर लीजिए कि कोई भी अभी तक राबिया केस में पकड़ा नहीं गया है। जो पकड़ा गया है वो कुछ नहीं है, वो ननकू है, वो रज्जाक है, जो सड़कों पर बिकते हैं। 50,000 रुपए आप उन्हें दीजिए, वो आपके लिए कुछ भी कर देंगे, ये वो है। तो ये जो मोहरा है, ये बिका हुआ एक शख्स है जिसने गिरफ्तारी महज दी है, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये कोई राबिया का पति नहीं है। ये पूरी कहानी लिखी हुई है, स्क्रिप्टेड है, कीबोर्ड पे टाइप की हुई है। और ये शख्स रुपए लेकर पुलिस के सामने पहुंचा और कहता है कि मैं हूं, पकड़ो मुझे। इसको सजा मिलेगी, बाद में मिलेगी, लेकिन इसको पकड़ना बहुत जरूरी है, इस शख्स को पकड़ना बेहद जरूरी है। ये जो मेहरा, इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं, कौन कौन वो लोग हैं जो पूरे केस को दबाना चाहते हैं, उनको पकड़ना बहुत जरूरी है। और दर्शकों विश्वास करिए कि ये लोग इतने ज्यादा धन संबल हैं कि ये लोग फैमिली को भी दबाने की कोशिश कर सकते हैं। ये लोग पैसों के जरिए फैमिली की भी बोलती बंद करने की कोशिश कर सकते हैं। ये माफिया हैं, ये गैंगस्टर्स हैं जिनके पास पैसों का भंडार है, जिनके पास बोरियों में पैसा है। अगर वो इस शख्स को, इस शख्स के जरिए अगर वो सोचते हैं कि वो बच लेंगे और वो सोचते हैं कि ये जो मोहरा है इसको बनाकर आगे रखकर वो बचेंगे, तो ये उनकी भूल है। लेकिन दर्शकों अगर आप भूल रहे हैं कि कहानी क्या थी, दर्शकों अगर आप भूल चुके हैं कि कहानी क्या थी, अगर 17 दिन बाद आपको याद नहीं आता कि राबिया सैफी के साथ क्या हुआ था, और अगर आप सोचते हैं कि उस रात क्या हुआ होगा उस बेटी के साथ, अगर आप नहीं समझ पाते उन एहसासों को, उन लफ्जों को, और आप सिर्फ ये समझते हैं कि रात थी गई, बात थी गई, तो एक रिपोर्ट है, उसको आप सुनिएगा ध्यान से, हो सके तो आंख बंद करके सुनिएगा और उन भावनाओं को समझिएगा जरूर। अगर राबिया होती तो क्या कुछ कह रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मैं ऐसे नहीं मरना चाहती थी। हर किसी की तरह मुझे भी जिंदगी से बेहद प्यार था। मेरे माँ बाप थे, भाई बहन थे, हंसता खेलता परिवार था। सिविल डिफेंस में मेरी नौकरी लगी महज 4 महीने ही हुए थे, और मैंने पापा से वादा किया था कि मैं एक बड़ी अफसर बनकर दिखाऊंगी। बस इतनी सी दुनिया थी मेरी, लेकिन अब कुछ भी नहीं। 26 अगस्त की उस रात मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, उनसे दया की भीख मांगती रही, लेकिन दरिंदों ने मुझे नहीं छोड़ा। मैं उनसे लड़ी, बहुत लड़ी, जितनी शरीर में ताकत थी उतना लड़ी, लेकिन आखिर कब तक लड़ पाती? मेरे शरीर पर जख्म ही जख्म थे, दर्द से कराह रही थी मैं। लेकिन उन दरिंदों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो मुझे मारते रहे, पीटते रहे, और मैं बस बेबस सब कुछ सहती रही। आंखों से सिरकते आंसू बस यही सोच रहे थे कि माँ आ जाओ ना, पापा बचा लो ना, कोई तो आ जाओ, कोई नहीं आया, और अब आप मुझे कोई भी नाम दे दीजिए, मुझे गुड़िया कह लीजिए, मुझे निर्भया कह लीजिए, मुझे दिल्ली की दामिनी कह लीजिए,
या कुछ भी नाम दे दीजिए। लेकिन जरा सोचिए, मैं थी तो आपकी बेटी ही ना, यूं नोच रहा था, मैं भी तो इसी समाज का हिस्सा थी, मैं भी तो आपके ही समाज का हिस्सा थी, मैं भी तो एक बेटी थी। मैं सिविल डिफेंस के दफ्तर में काम करती थी, सुबह 11 बजे घर से निकलती थी और रात को आखिरी 8:30 तक घर आ जाती थी। 26 अगस्त को भी आम सुबह थी, मैं 11 बजे ही घर से निकली थी, लेकिन उस सुबह की कभी शाम नहीं हुई, बस एक काली रात आई जिसमें मुझे दरिंदे नोच रहे थे, मेरे माँ पापा दर दर भटक रहे थे, मेरा भाई था जो परेशान था, मेरी बहन थी जो घबरा रही थी, और मेरी आंखों के सामने आते आंसू उजाले को धुंधला रहे थे, और वो धुंधलापन कभी खत्म नहीं हुआ, मेरी सांसें खत्म हो गई, आंसू तो अब भी बह रहे हैं, उस वक्त मेरी आंखों से और इस वक्त मुझसे प्यार करने वालों की आंखों में, मेरे माँ बाप की आंखों से निकलते आंसू मेरे साथ हुई हैवानियत के दस्तावेज हैं। हो सके तो इन्हें संभाल कर कानून को दिखा देना और कुछ मत कहना। मैंने बहुत चीख कर देख लिया था, मैं जिनके साथ उस रात गई थी उन्हें जानती थी मैं या शायद नहीं जानती थी, मैंने तो बस भरोसा किया था, इंसानियत पर भरोसा, लेकिन वो हैवान निकले, इसमें मेरी क्या गलती थी माँ? मैं अब इस दुनिया जहां मैं तो नहीं, लेकिन उस रात को सोचकर सिहर जाती हूँ। मैं रो रही थी, मेरे अंग बुरी तरह से जख्मी थे, खून भी निकल रहा था, मैं तड़प रही थी और वो हंस रहे थे, मैं कराह रही थी और वो ठहाके लगा रहे थे, उन्हें अपने किए पर पछतावा नहीं था, वो मेरे शरीर को बस नोचते जा रहे थे और जो जी में आया कर रहे थे। मैं हर बार उठती, हर बार लड़ती, हर बार गिरती, मैं हार नहीं मानना चाहती थी, लेकिन वो दरिंदे थे, उन पर हवस का खून सवार था, वो जानवर बन चुके थे, शायद नहीं, क्योंकि जानवर इतने बेदिल नहीं होते, वो भेड़िये थे, भेड़िये, उन भेड़ियों ने मेरे शरीर को तार तार कर दिया, मेरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था, मेरे शरीर पर कपड़े का एक भी टुकड़ा नहीं बचा था, लेकिन फिर भी मैं जिंदगी की जिद लिए बैठी थी, मैं जीना चाहती थी, क्योंकि मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी मौत के बाद कानून के ठेकेदार कहेंगे कि राबिया तुम रहती यहाँ हो और तुम्हारे साथ जो हुआ वो सीमा के उस पार हुआ, तो तुम वहां जाओ, दिल तोड़ दिया तुमने दिल्ली, रुला दिया तुम दो राज्यों के इस बेहया नाटक ने मुझे, चलो मैं शांत हो चुकी हूँ, तुम शांत मत होना, मैंने जो सहा तुम मत सहना, तुम बदलाव लाओगी, मेरी मौत के सहारे ही सही वो काली रात फिर ना आने पाए। मेरी कहानी यहीं तक थी, उस रात की कभी सुबह न थी। तो 21 साल की राबिया के साथ 27 अगस्त की रात जो कुछ दरिंदगी की गई है उसकी सजा उन बेरहम लोगों को मिलकर रहेगी, उन लोगों को जरूर इसकी सजा मिलेगी और इसी जन्म में मिलेगी, वो जहन्नुम की आग में तो जलेंगे ही लेकिन उससे पहले इस धरती पर भी उनको शांति नहीं मिलेगी, और उनको अगर लगता है कि वो शांति की वादियों में शांति से जीवन को जी पाएंगे तो ये महज अब उनके लिए आने वाला एक सपना भर होगा, क्योंकि अब चीज़ें डिसॉल्व होना बंद हो चुकी हैं, अब चीज़ें खुलने लगी हैं, चीज़ें निकलकर सामने आने लगी हैं, सच सामने आने लगा है, और जब सच सामने आता है तो उस पर बात होने, और बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सच, क्योंकि जिस तरीके से उस रात उनके माता पिता ढूंढने पहुंचे और उनकी सहेली के घर गए तो उनकी सहेली ने जब डीएम ऑफिस की उसकी एक सहयोगी से बात कराई तो वो कहती है कि उनको कुछ क्या पता लगा है, क्या पता लगा है, अच्छा ठीक है कुछ गलत हो सकता है राबिया के साथ, कुछ गलत हो सकता है राबिया के साथ, कुछ गलत हो सकता है, डीएम ऑफिस की उस लड़की को उस रात कैसे पता।
अगर निजामुद्दीन उसका पति था, उसके उसके कैरेक्टर पर शक था और उसने उसकी हत्या की, तो यह बात डीएम ऑफिस में काम करने वाली उस लड़की को कैसे लगी? ये वो सवाल है जो अब गूंजेंगे, चीख चीख कर कहना पड़े, चीखूंगा चिल्लाऊंगा, लेकिन अब ये कहानी थमेगी नहीं। वो हर व्यक्ति, वो जेल में बैठा अभी मेहरा, अगर सोचता है कि जेल में बढ़िया बढ़िया दाल पिएगा, बढ़िया रोटी खाएगा और सुबह उठकर फिर एक बार नई शुरुआत करेगा, तो अगर जेल तक मेरी आवाज कोई पहुंचा सके तो उससे कहना कि कहानी बहुत लंबी है, कपड़े घर से मंगवा ले, पूरी जिंदगी वही सड़ेगा। और हो सकता है कि बहुत जल्द ऊपर की यात्रा भी करनी पड़े, और उससे पहले जो जो लोग इस पूरे मामले में, जो जो लोग इस पूरे मामले की और जो जो लोग इस पूरे मामले को दबाने की, बुझाने की, छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब फंसेंगे, एक 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 व्यक्ति फंसेगा, एक एक व्यक्ति। तो ऐसे में एक बात साफ कर दूं कि जिसे जो भी पता है वो पहुंचे, उनके घर पहुंचे, हमसे कह सकते हैं, हमारे पास आए और इस मामले का पूरा खुलासा करना ही होगा, क्योंकि दर्शकों, वी कांट ट्रस्ट एनीबॉडी। क्योंकि आपको पता है कि एक एक्टर है, उस एक्टर का नाम है अरविंद केजरीवाल। वो कहीं भी टूरिस्ट बनकर पहुंच जाता है, हाथरस पहुंच जाता है, लखनऊ पहुंच जाता है, उत्तराखंड पहुंच जाता है, तमिलनाडु पहुंच जाता है, मध्य प्रदेश पहुंच जाता है, चंपारण पहुंच जाता है, हर जगह पहुंच जाता है, लेकिन वो दिल्ली के संगम विहार नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि यहां मामला उसके खुद के विभाग का है, यहां मामला खुद उसके लोगों का है। तो ऐसे में चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे फरीदाबाद पुलिस हो, चाहे वो पूरा वो डीएम ऑफिस हो, जो जो लोग कल्प्रिट है, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचने वाला। इस पूरी घटना की एक एक परत, एक एक स्लाइड, एक एक लेयर को खोल कर रख दिया जाएगा और ये मेहरा बचने नहीं पाएगा, और ये मोहरा पैसा लेकर जो अंदर गया है, इसका भी गेम ओवर। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात करूंगा और इस पूरे मामले पर कुछ और लेकर सामने आऊंगा। तब तक जो लोग कल्प्रिट है, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि सोइएगा मत, क्योंकि नींद के साथ चैन उड़ने वाला है।